मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका दलित रजनी में। वक्त हो चुका है 10 बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबरों की ओर। यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में कानून पारित करने के लिए 5 से 8 फरवरी तक विधानसभा का 4 दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र शुरू हो चुका है, 5वें दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। सत्र से पहले सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तराखंड में पेश हो रहे यूसीसी बिल का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन करेंगे और 1330 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न परियोजनाओं के आधारशिला रखेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की अनुमति दिए जाने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उनकी याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल के संदर्भ में चर्चा है कि वो भारतीय जनता पार्टी नित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो सकती है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने नाराजगी दिखाते हुए कहा कि इस चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। लखनऊ में 1500 एकड़ में बनेगी एरो सिटी, 1750 करोड़ में रिजिलियंस कॉरिडोर, आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जुड़ेंगे। योगी बोले बजट श्रीराम को समर्पित। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सोमवार को 5 फरवरी को सभी राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि चुनाव प्रचार अभियान में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी रूप में ना करें। पहले टेस्ट में हार के बाद टीम इंडिया ने विशाखापट्टनम में अंग्रेजों को धूल चढ़ा दी। अब 15 फरवरी को तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, मगर उससे पहले आज सीरीज के बाकी 3 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान होना है। यूपी के 72 जिलों में सोमवार को बारिश हुई, वहीं लखनऊ में मंगलवार को सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। आसमान में घने बादल है, सर्द हवाएं परेशान कर रही है। आज के 10 बड़ी खबरों में इतना ही। देश विदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए दलित रजनी के साथ। धन्यवाद।